फिर फरमाया माकान लि बशरिन किसी इंसान के लिए ये जायज ही नहीं किताब अवल हुक्मुबा कि अल्लाह उसको किताब और हिकमत और नब अता करे तुम मकूल अल्नासी फिर वो लोगों से ये कहे कून इबाद अली कि तुम मेरे बंदे बन जाओ वालकिन कब्बानी ये ना लेकिन वो क्या कहता है कि रब्बानी बन जाओ

क्योंकि कुरान पाक में आता वमा मिन रसूल वरसलू है आपसे पहले हमने जो भी रसूल भेजा हमने उसकी तरफ यही वही की कि नहीं कोई लाम अगर मैं ही बस मेरी ही इबादत करो यानी तमाम अंबिया ने अपनी कौमों को जाकर यही पैगाम दिया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए सूरत थर्टी सिक्स में आता है वलकदबास नाफीकुल्ल उमत रसूल अने अब तनबागूत हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा जिसने आकर यही पैगाम दिया कि तुम अल्लाह की इबादत करो अने अब वच तनबुतागूत और ताबूत से इज्तनाब करो ताबूत से बचो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पैगम्बरों के बाद जब किताब की वरासत या इल्म की वरासत दीगर लोगों के पास आई तो उन्होंने उसके साथ क्या सलूक किया उन्होंने लोगों को दीन के जरिए अल्लाह से जोड़ने की बजाय अपनी जात से जोड़ना शुरू कर दिया जिसके नतीजे में शख्सियत परस्ती ने जन्म लिया और शख्सियत परस्ती ढल गई किसमें शिरक में, में। इन लोगों को ग्रोहों में बांटा जातों और शख्सियतों में अटकाया और क्या कहा जैसे पीछे आप पड़ चुके हैं कि वो क्या कहते थे वला तो मिनु इमन तब्या दी नको किसी की बात ना मानो मगर वो ही जो तुम्हारे दीन से मुतालिक हो या तुम्हारी नस्ल से आया हो तो बात यह है कि जो शख्स भी लोगों को दीन के नाम पर अल्लाह वाला बनाने की बजाय अपना बनाना शुरू कर दे या अपनी जात को नुमाया करना शुरू कर दे या लोगों को अपना गर्विदा बनाने की कोशिश करे तो यही चीज नापसंदीदा है और फिर यहाँ किताब की तालीम और तालुम और तदरीस का मकसद भी बताया गया कि इसका असल मकसद क्या है कि लोग अपने रब से जुड़ जाए अब इसकी पहचान क्या है दो तरह के लोग होते हैं एक वो जो किताब को दुनिया हासिल करने का जरिया बना लेते हैं और दूसरे वो जो किताब के जरिए खुद भी और लोगों को खुदा से जुड़ते हैं अल्लाह से जुड़े हुए शख्स रब्बानी शख्स की पहचान क्या होती है रब्बानी के लिए सबसे अहम चीज अल्लाह की जात होती है उसका रब होता है वो उसी की याद में जीता है वो गैर अल्लाह से मुंह मोड़कर अल्लाह वाला बन जाता है वो सिर्फ मादी चीजों की गजा नहीं लेता वो मरते दम तक रूहानी गजा भी लेता है और इसी बिना पर जीता है आम इंसानों की दिलचस्पियां अगर सिर्फ जाहिरी चीजों से हों जाहरी रौनकों से तो रब्बानी आला हकैक और आला मका से दिलचस्पी रखता है यानी उसमें और आम लोगों में फर्क आ जाता है और ये फर्क सिर्फ किसी यूनिफॉर्म का या किसी जाहरी लिबादे या लिबास का नहीं है क्योंकि अमूमन लोग दीद में आने को क्या समझते बस हिजाब ओढ़ लेना तो ये मामला सिर्फ हिजाब ओढ़ने का नहीं है ये सिर्फ दाढ़ी रख लेने का नहीं है ये इससे आगे की चीज है और वो इंसान के बातिन और जाहिर हर चीज से मुतलिक उसका बातिन क्या हो कि उसके दिल में अल्लाह की याद और अल्लाह की मोहब्बत हर चीज से बढ़ के हो उसके जाहिर में क्या है कि उसको देख कर खुदा याद आए और फिर वो एक जरिया बन जाए लोगों को अल्लाह से जोड़ने का फिर इसी तरह उसकी शख्सियत में और चीजें क्या नुमाया होंगी कि उसको नुमाइश पसंद नहीं होगी उसको जाहरी चका पसंद नहीं होगी उसको शोहरत और खुद नुमाई पसंद नहीं होगी जिसे कुछ पाकर और खोकर गम नहीं होता जिसकी तवज्जो आज से ज्यादा कल पे लग जाती है कल कौन सी योम आखरत जो हर काम अल्लाह को खुश करने के लिए करने लगता है जैसे सूरत जुमर में आता है खुल्लाह आबुद मुखलिस सूरह अलबयना में आता है वमा उमिरु इल्ला लियाबुदुल्लाहा मुखलिसिना लहद दीन हनफा फिर वो हनीफ बन जाता है हनीफ हनीफा मुस्लिमा यक्सू मुसलमान बन जाता है यक्सू कोई कब बन सकता है जब उसका ध्यान एक तरफ हो एक वो शख्स होता है जिसका ध्यान हर तरफ हो वो यक्सू नहीं होगा मसलन आप पढ़ रहे हैं यक्सूई से कैसे पढ़ेंगे इस छोटी सी मिसाल से समझिए कि आप यक्सूई से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं जो शख्स यकसुई से पढ़ता है मतलब तो आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं तो जब यकसू होंगे तो उसका क्या मतलब है कि आप हंड्रेड परसेंट वहीं पर होंगे और गैर यकसू शख्स का क्या तरीका होता है चारों तरफ उसका ध्यान होता है अच्छा कौन आया कौन गया कौन क्या कर रहा है और वो सिर्फ जाहिर तौर पर डिस्ट्रैक्ट नहीं बल्कि अंदर से भी डिस्ट्रैक्शन का शिकार होता है कभी एक चीज के बारे में सोचना शुरू कर देगा कभी दूसरी चीज के बारे में और उसको कोई नहीं मकसद पता कि वो क्यों कोई काम कर रहा है बस वो कर रहा है कि मजबूरी में कर रहा है उसकी उसमें दिलचस्पी या तवज्जो नहीं तो किसी काम को कमिटमेंट के लेवल पर दिलचस्पी और तवज्जो से करना और एक चीज को मजबूरी के मारे करना इसी से फर्क पड़ जाता है तो यहां पर आप देखें कि तालीम और मुअल्लिम बनना और तालब बनना किस चीज का तकाजा करता है यसुई का तकाजा करता है जो सिर्फ उस वक्त आती है जब इंसान का काम अल्लाह के लिए होने लगता है वरना इंसान हर दूसरी चीज पर नजर रखता है कि अच्छा वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है तो जब तक ये नजरें हटती नहीं कि वो क्या कर रहा है और ये नजर इस पर नहीं टिकती कि मैं क्या कर रहा हूं तो उस वक्त तक यकसुई नहीं होती उस वक्त तक कोई रब्बानी नहीं बन सकता अगर हम सारी दुनिया के गम अपने अंदर पाले रखें और हर चीज की जिम्मेदारी हम ही उठा लें तो फिर आप देखेंगे कि क्या काम हो सकता है फिर ये काम नहीं हो सकता तो हर चीज का अपना एक मकाम है हर मसले का एक वक्त है हल होने का कुछ लोग होते हैं ना मसाइल को अपने सर पे सवार कर लेते हैं अब आप देखें किसी मसले को आप कितना भी सवार करें किसी चीज का आप जितना भी फौरन हल चाहें मसला आप बीमार है और आप चाहे आज ही सेहतमंद हो जाऊं कैसे हो सकते हैं वक्त चाहिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अब अगर आप हर वक्त यही सोचे चले जाए कि मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं और पता नहीं इसका क्या होगा तो नतीजा क्या निकलेगा और बीमार रहेंगे बीमारी तो अपने वक्त पर जाएगी फिर इसी तरह अगर कोई जिंदगी में गम आ गया कोई मसला आ गया कोई परेशानी आ गई है अब इंसान उस परेशानी में खो जाए और असल काम छोड़ दे तो ये क्या है ये रब्बानी होने की अलामत नहीं है रब्बानी वो होता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए वो जो कर रहा होता है वो वही कर रहा होता है उसको यकीन होता है जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं जैसे वो एक शिप डूबने लगा तो उसमें एक शख्स बैठ के किताब पढ़ रहा था किसी ने उसे पूछा कि भाई लोग इतने परेशान हैं हाल दुआई मचा रखी है और डूबने लगे हो तुम किताब पढ़ रहे तो मैं ही सोचता हूं कि बजाय इसके कि मैं अपने इस वक्त को जाया करूं मरना तो है डूबना तो है तो क्यों ना पढ़ते पढ़ते डूबू जितने लम्हे मेरे पास बाकी है मैं उनको किसी काम में इस्तेमाल करूं ऐसा शख्स होता है रब्बानी हम एक टन भी बजे ना तो सारा काम छोड़ के बैठ जाते हैं फौरन डिस्ट्रैक्ट होते हैं यकसू ही नहीं क्योंकि मकसद नहीं है सामने जिस शख्स के सामने मकसद हो वो नहीं गाफिल हो अब आप ये इसको छोटी सी मिसाल से समझिए जिस दिन आपका इम्तिहान हो तो फिर क्या होता है आप कुछ चीजें भुलाते हैं ना छोड़ते हैं बाकी सब चीजें कट डाउन कर देते हैं तो जिस शख्स को यकीन हो कि दुनिया में इम्तिहान के लिए आया वो लाजमन अपनी जिंदगी से गैर जरूरी चीजों को काटेगा वो गैर जरूरी को जब तक नहीं काटेगा उस वक्त तक अहम कर ही नहीं सकता क्योंकि जिंदगी लिमिटेड है और कुछ लोग समझदार होते हुए भी इस नुकते को नहीं समझते वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या अहम है और क्या गैर अहम है और हर वो शख्स नुकसान में है जो अपने इसकीमती वक्त को गैर अहम चीजों में जहा करता है गैर जरूरी चीजों में तो जब तक हम अपने कदरों कीमत और अपने वक्त की कदरों कीमत खुद ना पहचाने और जब तक हम अपने आप से खुद बेहतरीन काम ना ले अपनी सलाहियतों से अपने औकात से अपने एनर्जी से अपने माल से अपनी हर चीज से तो उस वक्त तक रब्बानी कहलाना या रब्बानी बनना एक खाब है और आयत के पस मंजर में एक वाकया भी बताया जाता है कि आप वसल्लम की खिदमत में जब नजरान का वफद आया तो कुछ यहूद के उलमा भी आ गए आपने सबको इस्लाम की दावत दी जो पीछे गुजर चुकी है कुल्या अहल अल किताब तल्लाम बई नावा बई न तो उस वक्त एक शख्स जो मदीना वालों में से था यानी यहूद में से था अल कुरजी शायद बनो खुराजा का था इसीलिए उसका नाम था कि अह महम्मद क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी ऐसी पूजा करें जैसे नसारा इसा मरीम की करते आपने की पनाह कि अल्लाह के सिवा किसी और को पूजने का मैं हुक्म दू अल्लाह ने इसके लिए मुझे नहीं भेजा और न इसका मुझे हुक्म दिया है और इस पर यह आयत उतरी क्या कि किसी इंसान के लायक ये बात नहीं कि अल्लाह उसको किताब और हमत दे और वो लोगों से कहे कि तुम मेरे बन जाओ वो क्या करेगा जिसको वाकई किताब और हिकमत की समझ आ गई वो ना खुद किसी का बनेगा और ना ही लोगों को अपना बनाएगा वो खुद भी अपने रब का बनेगा और लोगों को भी रब ही से जोड़ेगा और ये है असल दीन की तालीम कुरान का पढ़ना और पढ़ाना इसका मकसद क्या है खुद को भी अल्लाह से जोड़ना और लोगों को भी